बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। मानवता को दिशा प्रदान करने वाली महान विभूति भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति, संयम और समता का मार्ग दिखाया। वे करुणा और प्रेम के अथाह सागर थे। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध को मेरा भाव भरा प्रणाम। भगवान बुद्ध ने दुनिया को परमानेंट पीस, स्थायी शांति का सूत्र देकर जीवन को एक नया अर्थ दिया। जीवन में या तो युद्ध चलता है या व्यक्ति बुद्ध सा जीवन जीता है। बुद्ध का मतलब है बुद्ध अर्थात जागृत अवस्था, सभी दोषों से मुक्त जीवन, मस्त जीवन, जाग कर दिन रात जीवन मूर्ति कुछ ऐसी बनाए। कैसे बनेगा? जाग कर दिन रात जीवन मूर्ति कुछ ऐसी बनाए, खुद उसे देखें, समझ लें, झूम जाए, चूम जाए, मस्त होते जीवन। मनुष्य अज्ञानता रूपी नींद से जागृत अवस्था को प्राप्त कर ले, मुझे लगता है यही तो बुद्धत्व है। और उस जगने के लिए कितने सारे प्यारे गीत दिए हैं संतों ने। उठ जाग मुसाफिर दे भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वही तो पाते हैं जो जगते हैं, वही जीते हैं। जगना ही जीना है। भगवान बुद्ध ने जागते हुए जीने का संदेश दिया और भगवान बुद्ध का ज्ञान अंतर मन को, अंतस को जागृत करने का ही तो ज्ञान है। बुद्ध ने जनमानस की परिस्थितियों को नहीं बल्कि मनस्थितियों को बदला, मन को बदला, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत रात भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं, ये दोजक भी और जन्नत भी। कहीं और दोजक और नरक नहीं है, कहीं और जन्नत स्वर्ग नहीं है, मेरा मन ही इसका निर्माण करता है। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नरक बना लो। यही तो कहा भगवान बुद्ध ने। और फिर उन्होंने ये जो कहा वो बिना किसी लाग लपेट के सबके लिए कहा, भेदभाव से ऊपर उठने के निष्पक्षता के साथ सभी को गले लगाया उन्होंने, करुणा से अपनी भाव, उनकी भूमि जो थी उससे उन्होंने अपने सबको गले लगाया और संदेश दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाता हूँ। व्यक्ति का जीवन शुद्ध बने और बुद्ध बने, यही तो जीवन की सार्थकता है। ना तो हम अतीत के पूर्वाग्रहों में फंसें और ना भविष्य को लेकर चिंतित रहें, बल्कि जो जीवन के वर्तमान क्षण है ना, केवल उसी में ही जिएं, जागृत होकर जिएं। और जागृत होकर वर्तमान में जीना ही जीवन की धन्यता है। करुणा काल में इस धरती को बुद्ध की करुणा की नितांत आवश्यकता है। जो इस संसार को कष्टों से मुक्त करके बुद्धत्व के परम आनंद की ओर ले जा सके, आज ऐसी करुणा की आवश्यकता है, ऐसे मार्ग की आवश्यकता है, और वो कहीं और नहीं है। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। बी द लाइट, बिकम द लाइट एंड शेयर द लाइट। कितना प्यारा सूत्र है। भगवान बुद्ध का पूरा दर्शन संवेदनशीलता पर और करुणा पर आधारित है। आज के इस दौर में संवेदनशील व्यक्तित्व
सब जगह चाहिए जो दूसरों के दुखों का अनुभव कर सके। आज तो कोरोना काल में लोग अपनी आत्मा को बेचने तक लगे, काला बाजारी करने लगे, कहाँ भोगेंगे इस पाप को? क्योंकि दिल संवेदनशील नहीं है, इसलिए जो सबको समझ सके और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सके वही तो दिल दिल है। क्योंकि सहानुभूति और संवेदनशीलता से भरा दिल ही इस धरती पर मानवता को जिंदा रख सकता है। इस समय करुणा से युद्ध करें, परंतु करुणा से बुद्ध बने। भगवान बुद्ध ने अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीने के जो सूत्र दिए हैं ना, उसमें सीधा सार है कि मैं की भावना से ऊपर उठते हुए हम की भावना को जागृत करने का जो सूत्र है उसको अपने जीवन में जगाएं। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जितना मिला है उससे अधिक पाने की इच्छा, और इसी के कारण जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोशल रिसोर्सेज हैं, उस सब का दोहन हो रहा है। और उसी का कारण है, दोहन करते हैं जब हम, मानवता तब खतरे में पड़ जाती है। इसलिए नैतिकता और सृजनात्मकता के सिद्धांतों के साथ संतुलित जीवन की शैली को हमें अपनाना होगा, और उसके लिए हमें ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर की ओर जाना होगा, यूज़ एंड थ्रो कल्चर से यूज़ एंड ग्रो कल्चर की ओर जाना होगा। इससे धरती भी बचेगी, मानवता भी बचेगी, और यही तो कोरोना का संदेश है कि कोरोना में जीवन जियो, बहुत जी लिया, बहुत लाफे मार लिए, और ये मैसेज देने के लिए कोरोना आया है। भगवान बुद्ध करुणा के अवतार हैं, एक ऐसे दीप्तिमान व्यक्तित्व हैं जो दुनिया को प्रेम, शांति, करुणा और अहिंसा की शिक्षा देते रहे, और आज भी ये संदेश सार्थक है, सबके लिए है। उनके इस पावन संदेशों को हम आत्मसात करें, अपने जीवन का अंग बनाएं, करुणा और शांति की ओर हमारे पग बढ़ते रहें, करुणा टू कंपैशन, करुणा टू करुणा की ओर बढ़ें। आइए आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर ध्यान करें, स्वयं से जुड़े, बुद्धत्व की ओर बढ़े। बुद्ध पूर्णिमा आंतरिक मंथन और जागृति का ही तो पर्व है। पुनः ऐसे बुद्ध पुरुष को, भगवान बुद्ध को मेरे प्रणाम।